जय माता दी फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो श्यंबिका जी ऑल इन वन कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आई शेयर कर रही आपके साथ मीशो वेस्टर्न हॉल जिसकी रिक्वेस्ट काफी टाइम से आ रही थी सारा ही कलेक्शन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है एंड आई एम प्रेटी श्योर आज का कलेक्शन जो है आपको बहुत पसंद आने वाला है सारी ड्रेस अंडर फोर हंड्रेड सिर्फ एक ड्रेस है जो सिक्स uh, हंड्रेड प्लस में है तो स्टार्ट करते हैं बट इफ यू वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम एंड यू टू माई चैनल टू सब्सक्राइब माई चैनल यू नो वेरी वेल हाउ टू सब्सक्राइब जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उसको क्लिक करके मेरी यूट्यू फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड ही प्रेस कर देना बेल आइकन को उससे क्या होगा जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एंड आप चाहे तो मुझे पे फॉलो कर सकते हैं माई इंस्टा हैंडल से डू मूव ऑन द वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक तरह आपको बता दूं ये जो मैंने शर्क पहना हुआ है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीसो एंड ये जो ड्रेस मैंने अंदर वेयर की हुई है ये भी मीसो से ही है ये आउट ऑफ स्टॉक है ये अभी तो स्टॉक में आई नहीं है आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके पूछा है बट जैसे स्टॉक में आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको कंफर्म कर दूंगी बट ये स्टॉक में है ठीक है इनकेस आपको कुछ ही पसंद आता है फ्रॉम दिस ऑल आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अच्छा जो लोग पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है बट कुछ लोग नए होंगे उनके लिए वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा वहीं पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे मीशो पर कोड चलते हैं लिंक नहीं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट टाइम शोइंग टू दिस ब्यूटीफुल ड्रेस जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई एंड आप जानते हैं जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद होती है मैं सबसे पहले उसी को दिखाती हूँ सी जैसे पिक में दिख रही थी ना ऑनेस्टली फ्रेंड ये मुझे एज इट इज रिसीव हुई है इसका वर्क इसकी क्वालिटी उतनी ही रिच एंड रॉयल है जितने की पिक में शो हो रही थी सी बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत है स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड एंड बिड टैग मुझे मिली है सी सबसे पहले आप देख लो मेरा साइज स्मॉल है एंड वहां पर स्मॉल मीडियम लार्ज आई थिंक सारे ही साइज हैं तो आप चेक कर लेना सी पूरी ड्रेस आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है ये आपको इस तरह से स्टेप मिल रही है एंड ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना ये लाइक थ्रेड वर्क है जिसे आ, क्या बताऊ मैं आपको क्रोशिया का आपने देखा होगा ना क्रोशिया वर्क जो होता है ये उस तरह का वर्क है सी इस तरह से जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारा नेट में है सी इस तरह से ये नेट का वर्क है वर्क क्या है लाइक जो नेट है उसको डिजाइनिंग पैटर्न में कुछ इस तरह से दिखाया गया है सी जो कि बहुत ही ज्यादा यू नो क्लासी लग रहा था आफ्टर वेयरिंग काफी रिच लुक देने वाला है ये एंड बाकी आप ट्राइव पार्ट में देखो कि कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है सी एंड प्रॉपर आपको मैं दिखा दूल्टा करके भी सी इसमें आपको लाइनिंग मिल रही है जो की सी इस तरह से ये आई थिंक ये कुछ जो कपड़ा है ये क्रैप एंड रियन जैसा मिक्स है सी एंड प्रॉपर इंटरलॉकिंग के साथ में आपकी ड्रेस मिल रही है एंड आफ्टर वेयरिंग टू गुड बहुत ज्यादा क्लासी लग रही थी नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ मैं ये जमसुट जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है आई थिंक ये अंडर थ्री हंड्रेड है बाकी एक्जेक्ट मुझे याद नहीं मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगी आप देख लेना सी साइज की मैं बात करूँ तो मेरा साइज सभी में स्मॉल है एंड बाकी कुछ नंबर वाइज भी दिया हुआ है सी आप देखो इसका वर्क इसकी क्वालिटी ओ माय गॉड सुपर इसकी यू uh, नो you know, मैं फैब्रिक की बात करूं तो ये गुड क्वालिटी का रियोन है जो कि काफी थिक है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से ये लाइक लास्टिक पैटर्न में मिल रहा है सी काफी ज्यादा अच्छा है सी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है फ्रंट में आपको इस तरह से बटन मिल जाते हैं एंड अगेन आपको ये इस तरह से स्लिप्स मिल रही हैं बाकी आप ट्रन पार्ट में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्लासी लग रहा है मेरी हाइट फाइव फाइव है एंड साइज मेरा स्मॉल है मैं हमेशा मेंशन करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपकी हाइट फाइव फाइव है उससे कम है तो आपको कितना आने वाला है सी आफ्टर वेयरिंग काफी ज्यादा क्लासी लग रहा था कलर की मैं बात करूं तो जैसा आपको पिक में दिख रहा है एज इट इज आपको रिसीव होने वाला है तो डेफिनेटली आपको पसंद आ रहा है तो गो फॉर इट बिकॉज बहुत ही अफोर्डेबल है नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ मैं बॉडी कॉर्नर स्लिम फिट ड्रेस जो कि यू नो काफी ज्यादा खूबसूरत है सी इसके मैं फैब्रिक की बात करूं तो ये uh, वहां पर मेंशन था कि इसका जो फैब्रिक है वो लाइक uh, क्रैप फैब्रिक है बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ये क्रैप एंड मिक्स है क्योंकि इसमें ना स्ट्रेचेबिलिटी भी है सी देखो आप इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है साइज की मैं बात करूं तो इसमें स्मॉल से लेकर एक्सेल तक अवेलेबल है एंड uh, बाकी आप देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइनिंग पैटर्न है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा इस तरह का जो डिजाइनिंग पैटर्न होता है ना आप कभी वेयर करोगे ना तो इसमें आप काफी स्लेम लगते हो सी आप इस तरह से देखो बाकी uh, लेंथ की मैं बात करूं तो मेरी हाइट फाइव फाइव है एंड ये नी लेंथ है बट पिक में जितना दिखा रखा था मुझे ये उतनी नहीं लगी उससे थोड़ी सी शॉर्ट मुझे लगी एंड बैक से मैं आपको दिखा दू uh, की जो कि मुझे uh, ज्यादा अच्छा नहीं लगा पूरी ही ड्रेस में आपको टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से लेकर टॉप तक आपको ये जिप मिल रही है सी तो मतलब ये ड्रेस पूरी ओपन हो जाती है तो मुझे ये पार्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि एंड एज यू कैन सी प्रॉपर इंटरलॉकिंग के साथ में आपको ये ड्रेस मिल रही है इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ये थ्री हंड्रेड समथिंग में है क्वालिटी की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूं मैं ये ड्रेस जो कि पिक में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी एंड एज इट इज मुझे रिसीव हुई है आप देख सकते हैं यू you नो know, इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा अप एंड डाउन पैटर्न है साइड से आपको थोड़ी शॉर्ट मिलेगी एंड आप देख सकते हैं फ्रंट से ये इस तरह से है बाकी ट्रायल पार्ट में देखो आपको अच्छे से पता चलेगा इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्लीवलेस ड्रेस से यहाँ पर आपको थोड़ा सा यू नो डिजाइन मिल रहा है इस तरह से एंड बैक में आपको जिप मिल रही है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है आपको ओपन करके दिखा देती हूँ इस तरह से ये जीप मिल रही है एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग भी दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी अगेन काफी अच्छी है फ्लेयर की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा फ्लेरी है एंड आफ्टर वेयरिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी सी आप देख सकते हैं इस तरह से एंड इसमें आपको स्टैप भी मिल रही है जिसको आप चाहो तो बैक में भी आप इसको बांध सकते हैं या फिर थोड़ा सा स्टाइल करके आप इसको फ्रंट में भी जैसा कि पिक में शो हो रहा है इस तरह से फिटिंग की मैं बात करूं साइज की मैं मैं इसकी बात करूं तो स्मॉल साइज है एंड आपका साइज स्मॉल है तो स्मॉल ही लेना बिकॉज आपकी आधी फिटिंग इससे हो जाती है जो इसमें स्टैप दी हुई है एंड आफ्टर वेयरिंग आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्लासी लग रही थी एंड प्राइसिंग की मैं बात करूं तो मुझे याद नहीं है स्क्रीन शॉट लगा दूंगी आप देख लेना मूव ऑन करते हैं हम हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ जो कि आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया या नहीं किया ट्रायल पार्ट में आप देख रहे होंगे मेरे बाल बड़े लंबे हो गए अचानक से तो ये है लंबे वालों का राज मैंने ये हेयर एक्सटेंशन भी मंगाया है जो कि आ, मुझे लग रहा था कि जरूरत है काफी यू नो अफोर्डेबल है सबसे कम प्राइस में यही था तो मैंने सबसे कम प्राइस वाला ऑर्डर किया बिकॉज मुझे जस्ट देखना था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी एक्सटेंशन खुद से यूज नहीं किए हैं अदरवाइज कोई शूट वगैरह है तो वैसे यूज किए हैं बट मैंने खुद से कभी यूज नहीं किये ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड uh, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपने देखा होगा ट्रायवल पार्ट में देखो आप बिल्कुल लग नहीं रहा था ये यू you नो know, अलग से लिए है मैंने हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आप जब भी हेयर एक्सटेंशन ले रहे हैं तो अपने बालों से मैच करते हुए लो तो मैं बोलती हूँ कि अगर थोड़ा सा मिसमैच भी हो रहा है तो वो चलता है बिकॉज आजकल सभी बालों में कलर करा के लगते हैं तो वो चल जाता है ऐसे आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे लगाते हैं तो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगी बाकी दिखा दूँ की इस तरह से ये टिकटॉक जो पिन होती है ना इस तरह से ओपन करो ये तो इस तरह से लगाना होता है इजीली लग जाता है अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताना मैं बता दूंगी एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा कुछ भी है आप कितना भी डांस करो कूदो कुछ भी करो मतलब आपके बिल्कुल नहीं निकलने वाले हैं एंड बिल्कुल आपको फील आने वाली है एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आउट हो जाती है खासकर हम जैसे लोग जिनके बाल यू नो थोड़े से हल्के हैं एंड इसके पैकेजिंग की बात करूँ तो ये इस पॉलिसी में मुझे रिसीव हुए थे नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूं मैं ये डेनिम जैकेट जो कि सबसे कम प्राइस वाली मैंने ली है ये 300 में भी थी 400 में भी थी बट ये जो मैंने ली है ये जस्ट टू नाइनटी या 75 फाइव समथिंग में है इसकी शॉर्ट मैं लगा दूंगी इसमें मैं साइज की बात करूं तो मैं हमेशा ही स्मॉल साइज लेती हूं बट मैंने इसमें मीडियम साइज लिया है क्योंकि एक बार मैंने ऑर्डर किया था ना स्मॉल साइज तो वो मुझे थोड़ा शॉर्ट लगा तो अगर आपका साइज भी ना स्मॉल है तो आप मीडियम लेना ठीक है बाकी आप देख सकते हैं कि इसका कलर जैसा आपको दिख रहा है एज इट रिसीव होने वाला है एंड इस तरह से ये कुछ डैमेज वर्क में है इसकी मैं क्वालिटी की बात करूं तो इसकी क्वालिटी ये नहीं कि बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है बट अकॉर्डिंग टू तो प्राइस मैं बोलूंगी कि क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि डायमिंग जैकेट की हम बात करें तो सेवन हंड्रेड या एट हंड्रेड से कम में नहीं मिलती है जो अच्छी क्वालिटी की होती है बट जैसे इसकी क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू तो प्राइस बहुत बहुत अच्छी है फ्रंट से आप देख सकते हैं जो यू नो बटन आपको मिल रहे हैं सिंपल जैसी जैकेट होती है कुछ भी अलग ऐसा नहीं है एंड स्लिप्स मुझे अच्छी लगी बिकॉज शॉर्ट है एंड ये जो इसका डैमेज वर्क है ना ये मुझे अच्छा लगा बाकी आप ट्राउन पार्ट में देख सकते हैं आपको अच्छी लग रही तो डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज सस्ती भी है और अच्छी भी है नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ मैं ये वहां पर इन्होंने मेंशन किया था पैंट बट इसको पहनने के बाद जो मुझे फेल आ रहा था और मैं कह सकती हूँ ये पैंट तो नहीं है ये लैगिंग और जैगिंग है तो इसकी मैं क्वालिटी की बात करूं ना फ्रेंड्स इसकी क्वालिटी बहुत बहुत और बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ये आई थिंक 276 या 75 में है इसकी शॉर्ट लगा दूंगा आप देख लेना फैब्रिक की मैं बात करूं तो आई डोंट नो ये कौन सा फैब्रिक है बट जो भी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है मैं यही से आपको फील कराने की कोशिश कर रही हूं एंड इस तरह से आप छोगे ना तो लाइक like, uh, जो बालवेड फैब्रिक होता है ना कुछ उस तरह की फील आएगी तो हंड्रेड परसेंट मैं कह सकती हूँ कि इस प्राइस में आपको ये जो क्वालिटी मिल रही है ना सुपर से ऊपर है एंड आफ्टर वेयरिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी फ्रेंड मैं इसके साइज की बात करूं तो ट्वेंटी सिक्स से लेके फोर्टी तक अवेलेबल है सो फ्रेंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव थम्स अप आई डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड सजेशन रिलेटेड टू वीडियो कमेंट मी इन ब्लो कमेंट सेक्शन आई विल सी सून माइ नेक्स्ट वीडियो बी पॉजिटिव बी हैप्पी लव यू ऑल